हम गांव में चले दू बरिस तो देखा सबसे ज्यादा कष्ट में है यहाँ बूढ़ा आदमी। अब बढ़िया व्यवस्था बन जाए, बूढ़ा आदमी फिर से पढ़ नहीं सकता है, अब वो नौकरी भी नहीं कर सकता है। और नीतीश कुमार आपको इस महंगाई के जमाना में 400 रुपया का पेंशन दे रहा है, पेंशन नहीं भीख दे रहा है। तो ये तय हुआ है कि अगले बरिस जब जनता का राज बनेगा तो दिसंबर 2025 से नवंबर में सरकार बनेगी, दिसंबर 2025 से 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को कम से कम 2000 रुपया पेंशन जरूर कर दिया जाएगा। अभी 20 मिनट में आपको रास्ता बताएंगे, अगर आप उसको समझ लीजिए तो वोट जिसको मन है उसको दीजिए, वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन जो रास्ता बताएंगे वैसे दीजिएगा। तो और कुछ हो या ना हो, दो बरस के अंदर आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का जुगाड़ निश्चित तौर पर हो जाएगा। नेता लोग आकर क्या कहता है, वोट हमको दीजिए तो आपका ये काम करेंगे। हम आपको कह रहे हैं वोट जिसको देना है दीजिए, और बच्चों के पढ़ाई रोजगार का गारंटी प्रशांत किशोर से लीजिए, लेकिन वोट वैसे देना है जैसे हम रास्ता बताएंगे। रास्ता सीख लीजिए और फिर जाकर जिसको मन है, लालू को मन है लालू को वोट दीजिए, नीतीश को देना है नीतीश को दीजिए, मोदी को देना है मोदी को दीजिए, जन स्वराज को देना है जन स्वराज को दीजिए। लेकिन रास्ता अगर सीख कर जाइएगा तो दो बरस में आपके बच्चों का भला होना ही होना है।